एमएनए हाजी इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई ने दावा किया है कि एमएनए हाजी इम्तियाज गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान पीटीआई कहते हैं हाजी इम्तियाज को मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया है। एमएनए हाजी इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई ने दावा किया है कि एमएनए हाजी इम्तियाज गिरफ्तार कर लिए गए। पीटीआई के एमएनए हाजी इम्तियाज को मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया है। हाजी इम्तियाज कल शाम को इस्लामाबाद से अपने हलके की तरफ रवाना हुए थे। हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी NA-68 मंडी बहाउद्दीन से रुकन कौमी असम्बली हैं। हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी NA-68 मंडी बहाउद्दीन से रुकन कौमी असम्बली हैं। एमएनए हाजी इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया गया, पीटीआई का दावा। हाजी इम्तियाज को मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया। हाजी इम्तियाज कल शाम इस्लामाबाद से अपने हलके की तरफ रवाना हो रहे थे। हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी NA-68 मंडी बहाउद्दीन से रुकन कौमी असम्बली हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे शाकिर अब्बासी। जी शाकिर, देखिए पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। जरा पीटीआई के मुताबिक हाजी इम्तियाज को मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया। हाजी इम्तियाज कल शाम को इस्लामाबाद से अपने हलके की तरफ रवाना हुए थे। हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी जो है वो इन 68 मंडी बहाउद्दीन से रुकने कौमी असम्बली है और उनको अब जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की अभी तक वजूहत नहीं बताई गई और पीटीआई की तरफ से ये बताया गया है कि उनको मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ये बताइएगा शाकिर अब्बासी कि हाजी इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया है किस जुर्म की पादाश में और इन्हें कहां मुंतकिल किया गया है? लेकिन मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने ही उनको गिरफ्तार किया है और अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई कि उनको किस जुर्म के बर्दाश्त में गिरफ्तार किया गया है। कोई इब्तदाई मालूमात शेयर नहीं की गई लेकिन पीटीआई की तरफ से जी जो इम्तियाज हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और वो कल जब शाम को इस्लामाबाद से अपने हलके की तरफ अमल में लाई गई है। अपडेट कर रहे थे।